जय हिंद बच्चों। पिछली कक्षा में हमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था चैप्टर 8 में। उसमें जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, जिन्हें कि हम संक्रमण तत्व कहते हैं, उसकी एक विशेष प्रॉपर्टी होती है, विशेष गुण होता है, जिसके तहत वो जटिल यौगिक बनाते हैं। ऐसा इसलिए होता है, ये सब हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डी उपकक्ष अधूरा रहता है, जिसकी वजह से वो एक से अधिक प्रकार के बंध बना लेते हैं। तो ऐसे यौगिकों के बारे में हम आज पढ़ेंगे, जैसे कि K4FeCN6, जिसमें कि दो प्रकार का ब्रैकेट है, दो प्रकार की इसमें संयोजकता है, और इसलिए इन्हें जटिल यौगिक कहते हैं। और आप समझ गए होंगे कि अब हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो जी हाँ, आप सही समझे, हम उपसह संयोजक रसायन या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक, जिनमें कि उपसहसंयोजक बंध होते हैं, इसको समझने के लिए पहले हम डबल सॉल्ट के बारे में देखेंगे, डबल सॉल्ट क्या होता है, फिर उसके बाद हम उपसहसंयोजक यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। डबल सॉल्ट ऐसे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं परंतु जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, उन्हें द्विक लवण कहते हैं या डबल सॉल्ट कहते हैं। आप उदाहरण देख सकते हैं, KCl MgCl2 6H2O, जो कि कार्नेलाइट है, और पोटाश एलम या फिटकरी, जो आप घर में कॉमन यूज में लेते हैं, K2SO4 Al2SO4 Hl 24H2O। मोहर लवण, जो कि फेरस अमोनियम सल्फेट होता है, ये भी एक डबल सॉल्ट है, इसमें दो सॉल्ट हैं, फेरस सल्फेट का और अमोनियम सल्फेट का। संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल लवण ऐसे योगात्मक यौगिक होते हैं जो ठोस तथा विलयन दोनों अवस्थाओं में स्थायी होते हैं परंतु यह जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं उदाहरण में, CuNH3O4 सल्फेट है, एक टेट्राअमोनियम कॉपर सल्फेट है, जो कि आप देख रहे हैं इसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, जो जटिल यौगिकों में यूज होता है, जो कि ये बताता है कि ये उपसहसंयोजन क्षेत्र है। संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल लवण केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंड के मध्य बना उपसहसंयोजक बंध, जिसमें लिगेंड दाता तथा केंद्रीय धातु परमाणु ग्राही का कार्य करता है, इस प्रकार बनी संकुल को संकुल यौगिक कहते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, आप देख रहे हैं इस उदाहरण में कोबाल्ट जो है वो केंद्रीय धातु परमाणु है, जिसका कि डी उपकक्ष अधूरा है, जिसकी वजह से वो अमोनिया जो कि लिगेंड है उससे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर रहा है, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो कोबाल्ट यहाँ पर क्या है, एक केंद्रीय धातु परमाणु है। ऐसे परमाणु जो लिगेंड की निश्चित संख्या से जुड़कर विशेष ज्यामिति बनाते हैं, उन्हें केंद्रीय तत्व या परमाणु कहते हैं। लिगेंड परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसमें कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। लिगेंड का वह परमाणु जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, उसे दाता परमाणु कहते हैं। लिगेंड का वर्गीकरण, एक दंतुर लिगेंड या मोनोडेंटेड लिगेंड, दूसरे प्रकार का जो है वो द्विदंतुर लिगेंड या बायडेंटेड लिगेंड, तीसरे प्रकार का जो है त्रिदंतुर लिगेंड या ट्राइडेंटेड लिगेंड, और षटदंतुर लिगेंड या हेक्साडेंटेड लिगेंड। इसमें एक दाता परमाणु होता है एक दंतुर लिगेंड में, जैसे कि उदाहरण NH3H2O RNH2 इत्यादि। द्विदंतुर लिगेंड या बायडेंटेड लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं, उदाहरण के लिए इथेन 1,2-diamine और इथाइलीन डायामीन चित्र में देख सकते हैं आप। त्रिदंतुर लिगेंड इसमें तीन दाता परमाणु होते हैं, उदाहरण के लिए डाइइथाइल ट्राइअमीन, आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं इसमें तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीन नाइट्रोजन के पास, और ये डाइइथाइल ट्राइअमीन का स्ट्रक्चर है। षटदंतुर लिगेंड जिसमें कि जैसा कि नाम है इसमें 6 दाता परमाणु हैं, और ये आप EDTA का इथाइलीन डायअमीन टेट्रा एसीटेट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। कीलेट लिगेंड
द्विदंतुर या बहुदंतुर लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़कर 5 या 6 सदस्य वलय बना लेते हैं। इस वलय को कीलेट लिगेंड कहते हैं तथा बने यौगिक को कीलेट यौगिक कहते हैं। कीलेट लिगेंड जैसे कि EDTA है, समन्वय मंडल या कोऑर्डिनेट स्फीयर, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो क्षेत्र होता है वो समन्वय मंडल कहलाता है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। केंद्रीय धातु परमाणु तथा उससे जुड़े लिगेंड को गुरु कोष्टक में लिखते हैं और इन सभी को सम्मिलित रूप से समन्वय मंडल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसा कि K4FeCN6 में जो समन्वय मंडल है FeCN6 का है, और दूसरा जो उदाहरण है CrNH3Cl3 में जो समन्वय मंडल है वो कोष्टक बड़े कोष्टक के या बिग ब्रैकेट के अंदर में है। हेक्सा अमीन क्रोमियम का जो आयन है ये समन्वय मंडल प्रदर्शित कर रहा है। उप सहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े एक दंतुर लिगेंड की संख्या को उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। नोट, यदि केंद्रीय धातु परमाणु से द्विदंतुर लिगेंड जुड़े हैं तो उनकी संख्या को 2 से गुणा कर उप सहसंयोजन संख्या ज्ञात करते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, पहले केस में आप देख रहे हैं इसकी उप सहसंयोजन संख्या 2 है। टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट में उप सहसंयोजन संख्या 4 है। टेट्रा कार्बोनिल निकल में जो उप सहसंयोजन संख्या है ये भी इसकी 4 है। अगले में जो कि ट्राई अमीन क्रोमियम क्लोराइड है जिसमें कि उप सहसंयोजन संख्या इसकी 6 है। उप सहसंयोजक यौगिकों का या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का नामकरण, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, उसके बारे में हम देखते हैं कैसे इनका नामकरण किया जाता है। उप सहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नाम देने के लिए निम्न नियम काम में आते हैं। जो पहला नियम है, IUPAC नाम लिखते समय धन आयन को पहले तथा ऋण आयन को बाद में लिखा जाता है। दूसरा नियम, नाम लिखते समय धन आयन तथा ऋण आयन की संख्या का उल्लेख नहीं करते। तीसरा नियम, संकुल यौगिक का नाम लिखते समय लिगेंड को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है, मींस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। इसके बाद केंद्रीय धातु का नाम लिखा जाता है तथा उसके बाद धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन संख्या में कोष्टक के अंदर बंद करके लिखा जाता है। यहाँ पर कुछ लिगेंड दिए हुए हैं और जिनके की नाम है और उन पर कितना आवेश है वो दिया है। सबसे पहला जो लिगेंड है NH3 जिसे कि अमीन कहते हैं और इस पे जो आवेश है वो 0 है, और दूसरा जो लिगेंड है वो H2O है जिसे कि एक्वा कहते हैं और इस पे आवेश 0 है। CO जो कि कार्बोनिल समूह है, लिगेंड का नाम कार्बोनिल है और इसमें 0 आवेश है। NO जिसे कि नाइट्रोसिल कहा जाता है और आवेश 0 है। अगला NH2CH2CH2NH2 जो कि इथेन 1,2-diamine है, इसे हम इसका भी आवेश 0 होता है। PH3 फॉस्फीन आवेश 0 होता है। उसके बाद PPH3 और C6H5PP जो ट्राइफेनाइल फॉस्फीन है इसमें भी आवेश 0 होता है। CH3NH2 मिथाइल अमीन इसमें भी आवेश 0 होता है। अगला जो है Cl- जिसको कि हम क्लोरिडो कहते हैं और उस पर जो आवेश है -1 है। जो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं उनके नाम के आगे O लग जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं Br- या ब्रोमाइड के लिए ब्रोमिडो और आवेश -1 आयोडाइड का आयोडिडो, जिसका आवेश -1 फ्लोराइड का फ्लोरिडो, -1 आवेश OH हाइड्रोक्सिडो या हाइड्रोक्सो कह सकते हैं हम इसे, और इसका आवेश है -1 NO2- nitrito और NO- nitrito O इन पे भी आवेश -1 है। साइनाइड CN साइनो जिसपे आवेश -1 है। NC आइसोसाइनो इस पे भी आवेश -1 है। SCN या थायोसाइनेटो जिसपे आवेश -1 है।
NCS आइसोथायोसाइनेटो आवेश -1 O2 नेगेटिव जिसे कि ऑक्सो बोलते हैं और आवेश -2 होता है। CO3 2 नेगेटिव चार्ज है जो कि कार्बोनेटो है और इस पे आवेश -2 है। SO4 2 नेगेटिव सल्फेटो जिस पे कि आवेश -2 है। SO3 2 नेगेटिव सल्फाइटो जिस पे आवेश -2 है। S2- जिसे कि सल्फाइडो कहते हैं और इस पे जो आवेश है वो -2 है। C2O4 2 नेगेटिव जो कि ऑक्सीलेटो है, -2 इस पे आवेश है कि इन पे आवेश दिए गए हैं और उसका नाम किस प्रकार से लिखा जाएगा ये दिया है। एच नेगेटिव के लिए हाइड्राइडो जो कि आवेश -1 है। NO+ को ए नाइट्राइटो बोलते हैं जिसपे कि नाइट्रो है जिसपे कि आवेश +1 है। वे लिगेंड जिनकी संख्या 2, 3, 4, 5, 6 होती है उनके नाम के पूर्व क्रमशः डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा लिखा जाता है। केवल ऋण आवेशित संकुल आयन में धातु के अंत में 8 लगाते हैं। उदाहरण K3FeCN6 पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट। संकुल यौगिक, संकुल यौगिक का सूत्र लिखते समय निम्न पद काम में आते हैं। संकुल यौगिक में सबसे पहले धनायन व ऋणायन की पहचान करते हैं। सरल धनायन अथवा सरल ऋणायन का सूत्र आवेश सहित लिखते हैं। अगला पॉइंट इसका, संकुल आयन का सूत्र बड़े कोष्टक के अंदर लिखते हैं। इसमें धातु सबसे पहले तथा बाद में लिगेंड को लिखा जाता है। धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था तथा लिगेंड पर आवेश की सहायता से संकुल आयन पर आवेश ज्ञात कर लेते हैं। सरल आयन व संकुल आयन की सहायता से संकुल यौगिक का सूत्र लिख देते हैं। पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट, ये जो K4FeCN6 है इसका नामकरण किया गया है पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट में। इसके लिए हमने सबसे पहले जो धनात्मक आयन है पोटेशियम उसको पहले लिखा है, फिर ऋणात्मक जो आयन है जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर है FeCN6 बिग ब्रैकेट के अंदर है उसको लिया है, और जब नेगेटिव होता है तो ये हमने रूल्स में देखा था जब लिगेंड जो कि साइनाइड है यहाँ पर नेगेटिव है इसलिए उसमें साइनो लग रहा है, ओ लग रहा है, और जो केंद्रीय धातु परमाणु है आयरन उसमें भी क्योंकि वो नेगेटिव स्फीयर में है इसलिए उस पर भी ATE लग रहा है, फेरेट लग रहा है, तो इसलिए इसका नाम पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, और जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रोमन लेटर्स में इसकी ऑक्सीकरण संख्या दी हुई है। और ऑक्सीकरण संख्या को कैलकुलेट करने के लिए हम जितनी भी उसका जो नियम है कि पूरे अणु की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो शून्य होती है, तो पोटेशियम की +4, आयरन की हमें निकालना है और साइनाइड की -6, तो इस तरह से x 2 आ जाता है, x बराबर 2, तो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है +2 है। एग्जाम्पल IUPAC पद्धति से नामकरण का, इसमें हेक्सा अमीन क्रोमियम क्लोराइड का नामकरण किया है क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस केस में पॉजिटिव है तो इसलिए पहले पॉजिटिव का नाम लिखते हैं, इसलिए पॉजिटिव स्फीयर का नामकरण किया है। हेक्सा अमीन 6 अमीन है जो कि न्यूट्रल है, और क्रोमियम जब पॉजिटिव स्फीयर में सेंट्रल मेटल आयन होता है तो उसके नाम में कोई चेंज नहीं होता इसलिए यहाँ पर क्रोमियम लिखेंगे, हेक्सा अमीन क्रोमियम। और जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे क्योंकि अमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और 3 क्लोरीन के आयन्स क्लोराइड के आयन्स इसमें लगे हैं इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगा। इस तरह से इसका जो सूत्र होगा वो CrNH3O6Cl3 होगा। समावयवता या आइसोमेरिज्म, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उसमें उपस्थित समूहों की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है जिनसे उनके गुण भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं,
वे एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं और इस गुण को समावयवता कहते हैं। समावयवता का वर्गीकरण ये दो प्रकार की होती है, मुख्यतः संरचना समावयवता और दूसरी जो है त्रिविम समावयवता। संरचना समावयवता के अंतर्गत आयनन समावयवता आती है, जिसे कि हम आयनिक आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, और बंधनी या लिंकेज। तीसरे प्रकार का है उपसह संयोजन समावयवता या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अगला जो प्रकार है विलायक योजन या हाइड्रेट जल योजन, या इसे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। आयनन समावयवता का जो उदाहरण है आप देख सकते हैं, इसमें ऐसे संकुल यौगिक जिनके की अणुसूत्र समान होते हैं परंतु जलीय विलयन में अलग अलग आयन देते हैं, उनमें आयनन समावयवता पाई जाती है। यहाँ पर आप दो दो का पेयर देख रहे हैं उदाहरण के लिए। पहले केस में सल्फेट जो आयन है वो बाहर है, और दूसरे केस में जो सल्फेट आयन है वो अंदर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। और जलीय विलयन में पहले केस में जो आयन आ रहा है वो सल्फेट का आ रहा है, दूसरे केस में जो जलीय विलयन में आयन आ रहा है वो क्लोराइड का आ रहा है। तो इस तरह की समावयवता को हम आयनन समावयवता कहते हैं। प्रथम यौगिक के जलीय विलयन में जिसमें कि सल्फेट आयन बाहर था कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, उसमें हम अगर BaCl2 का विलयन मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, और इससे कि ये हमें इस बात की पुष्टि होती है कि इस पे सल्फेट का आयन है। दूसरे यौगिक के जलीय विलयन में AgNO3 मिलाने पर AgCl का श्वेत अवक्षेप बनता है, जिससे क्लोराइड आयन की उपस्थिति सिद्ध होती है। बंधनी समावयवता अगले प्रकार की, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनमें उभयदंती लिगेंड के दाता परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं और उनमें बंधनी समावयवता पाई जाती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं नीचे दो यौगिक दिए हुए हैं जिनमें की बंधनी समावयवता है। NO2 पहले में NO2 है, दूसरे में ONO है। उपसहसंयोजन समावयवता यह समावयवता उन संकुल यौगिकों में पाई जाती है जिनका धन आयन व ऋण आयन दोनों ही संकुल आयन हो। इन संकुल आयनों में लिगेंड के आदान प्रदान से यह समावयवता बनती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं नीचे विलायक योजन समावयवता या हाइड्रेट समावयवता, वे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु एक समावयव में जल के अणु लिगेंड के रूप में तो दूसरे समावयव में कुछ जल के अणु क्रिस्टली जल में होते हैं। त्रिविम समावयवता ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनमें परमाणु तथा समूहों के आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, वे एक दूसरे के त्रिविम समावयवी कहलाते हैं और इस गुण को त्रिविम समावयवता कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, ज्यामिति समावयवता एवं प्रकाशिक समावयवता। ज्यामिति समावयवता में उपसहसंयोजन संख्या 4 वाले संकुल यौगिक जिनकी ज्यामिति समतलीय वर्गाकार है या स्क्वायर प्लेनर है, उनमें ज्यामिति समावयवता पाई जाती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं उदाहरण दिया है। प्रकाशिक समावयवता या ध्रुवण समावयवता ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवी प्रकाश को के तल को किसी विशेष दिशा में घुमा देते हैं उन्हें ध्रुवण यौगिक कहते हैं, और यदि वह यौगिक समतल ध्रुवी प्रकाश को के तल को दाईं ओर घुमाता है तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, और बाईं ओर घुमाता है तो उसे लीवो रोटेटरी कहते हैं। प्रकाशिक समावयवता या ध्रुवण समावयवता, ध्रुवण समावयवता के लिए आवश्यक शर्तें निम्न हैं। पहला, अणु असममित होना चाहिए या एसिमेट्रिकल होना चाहिए। दूसरा जो है, अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। ऐसे अणुओं को हम कायरल अणु कहते हैं। वर्नर का सिद्धांत, वर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर सिद्धांत में संयोजकता बंध के बारे में बताया गया है, और इसे वर्नर का संयोजकता बंध सिद्धांत भी कहते हैं, और इसे इसके जो बिंदु हैं वो निम्न हैं। पहला जो है, उपसहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु में दो प्रकार की संयोजकता होती है, जिन्हें की प्राथमिक संयोजकता तथा द्वितीयक संयोजकता कहते हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राथमिक संयोजकता ऋण आयन द्वारा संतुष्ट होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता उदासीन अणु तथा ऋण आयन द्वारा संतुष्ट होती है। अगले प्रकार की जो है, प्रत्येक धातु परमाणु की द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है, और इसे धातु की उपसहसंयोजक संख्या भी कहते हैं। प्राथमिक संयोजकता से जुड़े
परमाणु को डॉटेड लाइन से व्यक्त करते हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकता से जुड़े समूह को पूरे फुल लाइन से व्यक्त करते हैं। धातु की द्वितीयक संयोजकता से जुड़े समूह एक विशेष ज्यामिति का निर्माण करते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत। सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु अपने ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाता है। केंद्रीय धातु परमाणु अपनी उप सहसंयोजन संख्या के बराबर संख्या में लिगेंड के लिए खाली कक्षक उपलब्ध कराता है। खाली कक्षक आपस में मिलकर खाली संकर कक्षक बनाते हैं, जिनमें लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। अष्टफलकी ज्यामिति में जब अंदर के डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तो D2sp3 संकरण होता है और बने संकुल को आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न कक्षक संकुल या चक्रत युग्मित संकुल कहते हैं। जब संकरण में बाह्य डी कक्षक भाग लेते हैं तो sp3d2 संकरण होता है। यदि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो प्रतिचुंबकीय परंतु अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर अनुचुंबकीय संकुल कहते हैं इन्हें, और चुंबकीय आघूर्ण का मान निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की जो कुछ कमियां थी, यह सिद्धांत पूर्व अनुमानों पर आधारित है। इस सिद्धांत में धातु आयन की प्रकृति पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि लिगेंड की प्रकृति पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अगली जो कमी है, यह संकुल यौगिकों के रंग तथा स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता। यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के ऊष्मा गति की स्थायित्व के बारे में भी नहीं बताता। उप सहसंयोजन संख्या 4 वाले यौगिकों की ज्यामिति को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। इसकी मदद से प्रबल क्षेत्र लिगेंड तथा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के बारे में भी यह थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उप सहसंयोजक यौगिकों के गुण तथा उपयोग, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। औषधि के रूप में इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। सिस प्लैटिनम का उपयोग ट्यूमर के निदान में किया जाता है। शरीर में कॉपर की अधिकता को कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। लेड के विषैलेपन को दूर करने के लिए EDTA काम में लिया जाता है। शरीर में आयरन की अधिकता को कम करने के लिए Desferrioxime-B का काम लिया जाता है। जैव प्रणाली में, बायोसिस्टम में, पेड़ पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल Mg2+ आयन का संकुल यौगिक है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन Fe2+ आयन का संकुल यौगिक है, जो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। विटामिन B12 में साइनोकोबाल्टामिन पाया जाता है, जो कि कैल्शियम आयन का संकुल यौगिक है। उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। विल्किंसन्स उत्प्रेरक, जिसका कि IUPAC नाम है, क्लोरिडो ट्रेस ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, यह एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण करता है। धातुओं की सतह पर सिल्वर तथा गोल्ड की परत चढ़ाने के लिए निम्न संकुल का आयन काम में लाते हैं, AgCN2 और AuCN2 का। Ag तथा Au का निष्कर्षण निक्षालन विधि से किया जाता है। उद्योगों में भी इसका उपयोग और फोटोग्राफी की फिल्म बनाने में भी काम में आता है। धातु निष्कर्षण में अशुद्ध निकल का शोधन मांड विधि द्वारा किया जाता है। गुणात्मक विश्लेषण में भी इसका उपयोग होता है। निकल आयन के लिए डायमिथाइल ग्लाइक्साइन से क्रिया कराकर इसकी निकल आयन की पहचान की जाती है। कठोर जल में उपस्थित क्लोराइड आयन व मैग्नीशियम आयन की पहचान EDTA द्वारा की जाती है। अभी तक हमने जो पढ़ा उस पर आधारित होमवर्क के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिन्हें आप सॉल्व कर लीजिए। पहला प्रश्न है, कुछ यौगिकों के नाम दिए गए हैं IUPAC नाम, इनके आपको सूत्र लिखने हैं। पहला है टेट्रामीन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड, पोटेशियम टेट्रा साइनो निकलेट 3, ट्रिस इथेन 1-2 डायमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। निम्न समन्वयन यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो कुछ आपको इनकी संरचनाएं दी गई हैं, आप इसे नोट कर लीजिए और इनके आपको IUPAC नेम लिखने हैं। वर्नर के पदों के क्रम में समन्वयन यौगिकों के बंधन को समझाइए। एक दंतुर, द्विदंतुर एवं उभयदंती या बहुदंतुर लिगेंडों का क्या अर्थ है? प्रत्येक को दो दो उदाहरण सहित समझाइए। समन्वयन यौगिकों में संभावित विभिन्न प्रकार की समावयवता को प्रत्येक उदाहरण देकर इनकी एक सूची बनानी है। कुछ और
नाम दिए गए हैं आईयूपीएसी, इनका आईयूपीएसी नियमों का उपयोग करते हुए इनके सूत्र लिखना है। धन्यवाद।